नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। भड़काऊ बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को पिछले हफ्ते फटकार लगाई थी 1 जुलाई को। अब इसके खिलाफ 117 हस्तियों ने बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे अपनी आपत्ति जताई है, यानी कि उन्होंने नुपुर को फेवर दिया है अपना। एक बात, अब वीडियो के जरिए सलमान चिश्ती लोगों को नुपुर का सिर कलम करने के लिए उकसाता हुआ नजर आ रहा है। इस आशय का एक वीडियो आज सभी जगह सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है। यही नहीं, इसने उस व्यक्ति को जो उसका सिर लेके आएगा उसको इनाम में अपना मकान भी बाकायदा देने की बात कही है। सलमान चिश्ती इस वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का रहा है, कह रहा है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई है, इसलिए लोगों का चुप रहना ठीक नहीं है। अब देखिए मुख्तार अब्बास नकवी क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जब आज लोगों ने ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट पर वो क्या कहते हैं नुपुर के बारे में, वो क्या कहते हैं नुपुर बाहर है और एक और शख्स उसको जेल के अंदर किया गया है, तो ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मुस्लिम समुदाय जितना भारत में सुरक्षित है उतना किसी और देश में नहीं है, जितनी मस्जिद भारत देश में है उतनी और किसी देश में नहीं है। दरअसल 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और 17 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 25 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स के अधिकारियों सहित कुल 117 लोगों ने एक हस्ताक्षर करके एक बयान जारी किया कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय याचिका का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को यानी कि नुपुर को याचिका वापस लेने के लिए उचित फॉर्म से संपर्क करने के लिए मजबूर किया। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि हाईकोर्ट के पास ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से निलंबित हुई प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को जम करके फटकार लगाई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नुपुर का पैगंबर मोहम्मद को लेकर के दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है। और कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा के इस बयान से पूरे देश में हिंसा भड़की हुई है और ये भी कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के लिए अकेले नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से इतनी सख्त टिप्पणी की और इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई और कहता तो मैं सहमत नहीं होता। एक प्रोग्राम में वो हिस्सा ले रहे थे, वहीं पे उनसे मीडिया ने पूछा और फिर ये पूछा कि ऐसे ही मामले में जुबैर जेल में है और नुपुर शर्मा बाहर क्यों है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस देश की संस्कृति अलग है, सबसे प्यार में रहने की ये संस्कृति है, इसमें किसी एक धर्म या एक जाति के सुख की बात नहीं कही गई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में मुस्लिम समुदाय जितना सिक्योर है, जितना सुरक्षित है उतना किसी और देश में नहीं है। तो दोस्तों, नुपुर को लेकर के एक अजीबोगरीब सा विवाद छिड़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जब 117 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड पर
अपना बयान दिया, उसको गलत ठहराया और ये कहा कि उसको न्यायिक संरक्षण देना चाहिए और उसकी याचिका का संज्ञान लेना चाहिए, तो उसे ये दिखता है कि अब नूपुर के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज मुख्तार अब्बास नकवी ने भी यही बात कही कि ये देश जो है सभी को समान अधिकार देता है, और वो बात अलग है कि कुछ लोग उसके खिलाफत में वीडियो जारी कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं नूपुर के लिए, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहते हैं नूपुर के लिए, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।